इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद है जन सुराज से के एमएलसी जो हैं, जो नव निर्वाचित होकर के आए हैं आफाक अहमद जी। आज आप लोग की शिक्षकों के साथ बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, आज जो बैठक हुई है शिक्षक संगठन को, जितने भी शिक्षक संगठन के लोग थे उन लोगों को एक मंच पर लाने की बात हुई है। उसमें कुछ संगठन के लोग नहीं आए, हमें लगता है कि आने वाले सप्ताह में उन लोगों को भी बुलाकर एक साथ बैठक करके एक समन्वय समिति बनाकर सरकार से इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और शिक्षक के सम्मान को पुनः वापस लाने के लिए 2023 जो नियमावली है सरकार पुनः बिलासर्त उसको वापस ले। जो वित्त रहित शिक्षकों के साथ अन्याय है कि 7-7 वर्ष 8-8 वर्ष से उन्हें अभी तक अनुदान नहीं दिया गया, अतिथि शिक्षक के साथ जो असमानता का भेदभाव है, जो लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको इस नियमावली में कहीं जगह नहीं दिया गया है। इस सब के चीज़ों का अवलोकन करने के उपरांत लग रहा है कि सरकार शिक्षा से बिल्कुल मैंने शिक्षा से मुंह मोड़ ली है। शिक्षा को सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, इसको असंवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे इस बिहार को बदला जा सकता है, इस देश को बदला जा सकता है। और सरकार अगर इतना उदासीन रहती है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, तो यह बिहार का व्यवस्था नहीं बदल सकता है और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है और शिक्षा का सम्मान पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। पटना की बात कर ले, कई ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूल में 3-3-4 विद्यालय को एक करके पढ़ाया जाता है, यानी कि इस भवन की कमी है, शिक्षकों की कमी है, ये सारे विषय जो है शिक्षा में किस तरह से मतलब खलल डाल रहा है। अराजकता है, ये अराजकता की स्थिति, सरकार से यह शिक्षा व्यवस्था संभल नहीं रहा है। अगर संभलता तो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दी, हाई स्कूल को कॉलेज बना दी और शिक्षक का व्यवस्था वहाँ नहीं किया। जहाँ शिक्षक का व्यवस्था है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ स्टूडेंट नहीं है। विद्यालयों में स्टूडेंट खिचड़ी खा रहा है, महाविद्यालयों में डिग्री बांटा जा रहा है, पढ़ाई का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो चुका है, पढ़ाई नाम का चीज़ इस बिहार में नहीं है। सरकार को शिक्षाविदों के साथ बैठक करके अपने दिल और दिमाग को अस्थिर करके शिक्षा कैसे यहाँ सुदृढ़ हो, कैसे माहौल सरकार दे पाएगी, वातावरण तैयार करेगी जिस वातावरण में शिक्षक ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाकर उसकी छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालकर उसे एक आदर्श नागरिक प्रस्तुत बनाकर राष्ट्र के सामने, राज्य के सामने, नागरिकों के सामने उसे प्रस्तुत करें, यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये जो मिड डे मील की बातें आ रही है, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो खिचड़ी खाने आते हैं, खाना खाने आते हैं, पढ़ाई के नाम पे यूँ कह ले तो बच्चे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो क्या इस जो मिड डे मील है उसको ख़त्म करना चाहिए सरकार? बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। शिक्षक को स्वतंत्र करना होगा, पढ़ाई के लिए आज़ाद करना होगा, उसे जनगणना से दूर रखना होगा, उसे BLO के जो दायित्व दिया जा रहा है उसे दूर रखना होगा। इलेक्शन वगैरह है तो इलेक्शन में जा सकता है, लेकिन कागज़ पत्र जितना है स्कूल का, मिड डे मील से लेकर BLO से लेकर जनगणना से लेकर जातीय जनगणना, ये सभी फजूल है। शिक्षक को मारना है और कहा जा रहा है कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है, शिक्षक को समय नहीं मिल पा रहा है, शिक्षक पढ़ाएगा कैसे? यही न बिहार है जो 90 के पहले तमाम शिक्षक पढ़ाते थे, 90 के बाद क्या हो गया शिक्षक को? सरकार की नीयत और नीति दो बदल गया, जिसके वजह से शिक्षा का डिटोरेशन हुआ, पतन हुआ। अब उसको वापस लाने के लिए सरकार को संवेदनशील होना होगा, सरकार को कॉन्शियस होना होगा और शिक्षाविदों के साथ एक बैठक करके शिक्षक के सम्मान को पुनः वापस देना होगा, तभी माहौल तैयार होगा और यह बिहार का विकास संभव हो पाएगा। ये आखिरी सवाल है हमारा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, शिक्षा की बातें ना करके हमेशा रामायण, रामचरितमानस, इन सारी चीज़ों से बातें करते हैं। शिक्षा मंत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री तो वही हुआ करता है जो शिक्षकों के सम्मान के साथ वफादारी करे और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन रात एक करके शिक्षा को दुरुस्त करे। लेकिन हमें आए हुए जब जिस दिन, तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी, लगा कि एक प्रोफेसर, एक टीचर शिक्षा मंत्री बन रहा है, हो सकता है कि शिक्षा जो व्यवस्था बिल्कुल पतन के कागार पर खड़ा है वह कुछ मजबूत होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। उन्हें अपने कामों का पुनः अवलोकन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें काम करना चाहिए, तभी इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहाँ इंसान अपने कर्मों और कुकर्मों को जवाब देता है। तो लोकतंत्र के मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उन बच्चों को देखें जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं और ये प्लेट लेकर खिचड़ी खाकर घर लौट आ रहे हैं, वह पाप कहाँ जाएगा? इसलिए डरना चाहिए, ईश्वर से भी डरना चाहिए, समाज से भी डरना चाहिए। तो
ये थे हमारे साथ नव निर्वाचित सारण से MLC हैं आफाक अहमद, जिन्होंने आज जो मीटिंग थी उस मीटिंग में जो शिक्षकों के साथ जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने बताया कि जिस तरह से शिक्षा की बदहाली है बिहार में, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं है, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर 3-4 स्कूल मिल करके एक जगह पढ़ाई करते, ऐसे में शिक्षा मंत्री जो है उनको इन सारी चीज़ों पर शिक्षाविद के साथ बैठ कर मीटिंग करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, ताकि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है जो ध्वस्त हो रही है वो उसमें सुधार आ सके। फिलहाल कितना ही बने कश्यप के साथ पटना संग